स्वादिष्ट बनी है, बिल्कुल उस शीतल पेय की भांति सबको अत्यंत भाएगी। और सबको तो ये बताना ही होगा कि ये राधा के हाथों बनी है। उत्तम हुआ ना खाना कि राधा ने स्वयं अपने हाथों से सबके लिए खीर बनाई है। अब राधा के हाथों से बनी हुई खीर खाकर तो गुरुदेव और अन्य ऋषिगण अवश्य प्रसन्न हो ही जाएंगे। प्रसन्न होंगे या नहीं ये तो समय ही बताएगा। था ये कैसा हास्य और व्यंग किया जा रहा है? ये दुर्व्यवहार नहीं बल्कि घोर अपमान भी है ऋषि मुनियों का। उत्तर दीजिए संदीपिनी, क्या यही शिक्षा दिया आपने अपने शिष्य को? जहाँ ऐसा अनादर ऐसा अपमान हो वहां रुकना अपराध है। गुरुदेव क्षमा कीजिए, हमारी ये मंशा नहीं थी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ क्षण के लिए रुकिए, राधा आ जाएगी, इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि हुआ क्या है। राधा क्या बताएगी, उसने ऐसी दूषित खीर बनाई है और अतिथियों की चिंता किए बिना ही यहाँ से चली गई। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं, राधा को किसी कारणवश जाना अवश्य पड़ा है, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, राधा ऐसी खीर कदापि नहीं बना सकती। बलराम, सत्य केवल ये है कि राधा ने हमें ऐसी दूषित खीर खिलाई है। मैं संदीपनी अपने जीवन के सभी तप और जप की शक्ति से राधा को शाप देता हूं। गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझसे अपराध हुआ है, किंतु शाप देने से पूर्व एक बार मुझे मेरी बात रखने का अवसर तो दीजिए। तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहती हो? मैंने सदैव से ही जितने प्रेम से कृष्ण के लिए खीर बनाई है, उतने ही प्रेम से ये खीर भी बनी थी। मेरे प्रेम की मैं स्वयं साक्षी हूँ और ये भी मानती हूँ कि उसी प्रेम और समर्पण से बनी है ये खीर। यहाँ कोई भी भोजन दुष्ट और स्वाधीन नहीं हो सकता गुरुदेव। खीर दुष्ट और स्वाधीन तभी हो सकती है जब किसी प्रकार से धान्य लक्ष्मी का अपमान हुआ हो। स्मरण कीजिए, क्या आप सब में से किसी ने भी धान्य लक्ष्मी का अपमान किया है? यदि आप में से किसी ने भी धान्य लक्ष्मी का अपमान किया होगा तो ये संभव है कि आज की ये दुर्घटना उसी का परिणाम है। राधा की बात सत्य है। हम कितने ही महान ऋषि क्यों ना हो, त्रुटि किसी से भी हो सकती है। धान्य लक्ष्मी रुष्ट हैं, इसीलिए हम सबके साथ ये दुर्घटना घटी है। हमसे कभी ना कभी अपमान हुआ है धान्य लक्ष्मी का। अब जब आप सब अपनी त्रुटि स्वीकार कर चुके हैं तो क्यों ना हम धान्य लक्ष्मी से एक बार क्षमा याचना कर लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भोजन पुनः स्वादिष्ट हो जाएगा। पकाने के पश्चात भोजन का स्वाद कैसे परिवर्तित हो सकता है, ये तो असंभव है। हम सब धान्य लक्ष्मी से क्षमा याचना करते हैं, तब तक तुम सब भोजन की व्यवस्था करो। देवी, राधा ने सही समय पर पहुंचकर संकट को टाल दिया। हाँ महादेव, राधा ने कथा के अनुसार धान्य लक्ष्मी के महत्व को समझ लिया है।
लक्ष्मी, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि और अपनी ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हमसे जाने अनजाने जो त्रुटि हुई है, हम उसके लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम आपकी दया चाहते हैं धान्य लक्ष्मी, हमारा अपराध क्षमा कीजिए माँ। धान्य लक्ष्मी की अब आपकी क्या योजना होगी? खीर तो मैं दूषित कर ही चुकी हूं और रसोई में कोई और भोजन है ही नहीं। राधा, हमने तुम्हारी चीत्कार सुनी, सब ठीक तो है? क्या हुआ राधा, बताओ। पता नहीं कैसे ये क्या सारे पकवान है रसोई में? तो सत्य, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ 56 भोग बने हुए और खीर के साथ इतने सारे मिष्ठान भी। ये सब तुमने किया है ना खाना? नहीं था, ये मेरा प्रभाव नहीं अपितु ये धान्य लक्ष्मी की कृपा है। सत्य कहा तुमने राधा, धान्य लक्ष्मी पुनः एक बार प्रसन्न हो गई। अब आएगा ना आनंद गुरुवर और अन्य ऋषि गणों को भोजन परोसने में। आओ सभी को भोजन कराते। मैं धान्य लक्ष्मी के साथ साथ ज्येष्ठा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रतीत होता है उन्होंने ही मेरी अनुपस्थिति में ये सब भोजन बनाया है। हाँ, बात तो तू मुझे ही कह रही हो राधे, धन्यवाद तो ज्येष्ठा को भी कहना चाहिए। और जब तुम अपना आभार व्यक्त करोगी तो निश्चित रूप से देखना कि ज्येष्ठा के मुख पे कितनी प्रसन्नता आती है। देवी लक्ष्मी, इससे पहले तो आपकी योजना उल्टी पड़ गई, परंतु अब आशा है कि आगे सब कुछ ठीक हो। रसोई कक्ष में भोजन ही नहीं है तो राधा कृष्ण की योजना उल्टी पड़ेगी ही ना। क्या देवी लक्ष्मी, आप तो कुछ और ही कह रही थी। 56 भोग राज रसोई में, अब क्या होगा देवी लक्ष्मी? अभी तक किसी ने इस भोजन को चखा नहीं है। जब सब भोजन करेंगे तब ज्ञात होगा।
है स्वादिष्ट भोजन, इसे खाकर मन तृप्त हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। सत्य है, हम पर धान्य लक्ष्मी की कृपा हो गई है, हमारी भूख पुनः लौट आई है। ज्येष्ठा, ये सब आपकी सहायता के बिना संभव नहीं था। मेरी सहायता कैसे राधा? यदि आपने ये सारा भोजन नहीं बनाया होता तो गुरुदेव तृप्त ही नहीं होते। धन्यवाद। मैं तो ऋषियों को अतृप्त ही रखना चाहती थी, जिसे क्रोध में वो तुम्हें श्राप दे दे। राधा राधा, तीव्र भूख के कारण हमने तुम पर क्रोध किया, परंतु अब ये भोजन करने के पश्चात मन शांत हो गया है। राधा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जहां तुम रहोगी वहां धान्य लक्ष्मी सदैव रहेगी। जहां राधा और कृष्ण का नाम लिया जाएगा, उस घर में धन धान्य की हमेशा वर्षा होगी, वहां अन्न के भंडार सदैव भरे रहेंगे। राधा, ऋषिवर, ऐसा ही कल्याणकारक वरदान आप ज्येष्ठा को भी दे दीजिए, ये भी यहाँ अपने प्रेमी को ढूंढने आई है। क्यों नहीं राधा, तुम कह रही हो तो मैं मना कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपने जिस प्रेमी को खोजने के लिए तुम यहां आई हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कितनी भोली हो तुम राधा, ये वरदान दिलवाकर तुमने स्वयं ही अपने हाथों से कृष्ण को मुझे दे दिया।